शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है लोभ बनता है पाप का कारण। एक सत्य प्रिय राजा थे, बहुत ही अच्छी तरह राज्य चलाते थे। स्वभाव में भी उनके दैवी गुण बहुत भरे हुए थे, तो उनको कई बार ये विचार आता था कि लोगों से पाप क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाकर उनके आगे ये प्रश्न किया, तो गुरु ने कहा कि इसका सही जवाब आपको एक विद्यामती युवती है, वही दे सकती है। तो राजा ने कहा मैं जाना चाहता हूं उनके पास। गुरु ने उनका पता दिया। वो विद्यामती के पास पहुंचे। विद्यामती बहुत रूपवान थी, सुंदर थी। राजा ने वहां पहुंचकर उनसे मिलकर अपनी शंका व्यक्त की, प्रश्न आगे रखा। विद्यामती ने प्रश्न सुनकर कहा कि इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा समय मेरे पास अतिथि के रूप में रुकना पड़ेगा। राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा पूरा राज्य कारोबार कौन देखेगा, कौन ध्यान देगा। विद्यामती ने कहा अगर आपको उत्तर चाहिए तो आपको रुकना ही पड़ेगा। कुछ सोचकर फिर राजा ने वहां संदेश भेज दिया कि राजा थोड़ा दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, आप सभी देख लेना। और फिर राजा उनके पास रुक गए। विद्यामती राजा का बहुत सम्मान करती थी, विविध प्रकार के व्यंजन भोजन बहुत अच्छी तरह उनको खिलाती थी, पिलाती थी, ज्ञान की भी चर्चा करती थी, वेदों की भी चर्चा करती थी। बहुत हर प्रकार से उनका उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया। ऐसे करने पर राजा विद्यामती पर मोहित हो गए। धीरे धीरे उनको उनके ऊपर प्यार आने लगा। और आखिर एक दिन आया जब राजा ने विद्यामती के आगे अपने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब विद्यामती ने कहा कि अभी आप यहां से जा सकते हो, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा हैरान हो गया, बोला मैंने तो कुछ समझा नहीं, ये तो मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तो बोला देखो जब आप यहाँ आए तो आप यहाँ रुकने को भी तैयार नहीं थे, और आज आप यहाँ तक इधर लोभ में फंस गए कि आपने मेरे आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये लोभ नहीं तो और क्या है। ये लोभ जो है वो व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तब राजा को अपनी गलती भी महसूस हुई, प्रश्न का उत्तर भी मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि काम क्रोध लोभ मोहंकार कोई भी विकार हमारे से विकर्म कराता है, तो उसके अंदर लोभ भी कम नहीं है। हमें हर विकार के ऊपर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक है, तभी हम सदा सुखी रह सकते हैं। तो लोभ विकार को कैसे हम जीतें, विजय प्राप्त करें, वह भी इस विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा हमें बहुत सहज रीति से सरल मार्ग बताकर और उस विकार के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं। ओम शांति।